पहली बार रूस का जवाब आया सामने। इस पर पहली बार रूस का जवाब सामने आया है। वो जवाब क्या है? रूस ने पूजा नरसंहार के आरोपों से खुद को दरकिनार किया। रूस का दावा, जब तक हमारी सेना रही एक भी मौत नहीं हुई। यहां की तस्वीरें और वीडियो यूक्रेन का नाटक है। रूस कह रहा है कि ये तस्वीरें और वीडियोस तो पूरे तौर पर नाटक है। यहां की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और क्या कह रहा है रूस वो भी मैंने आपको बताया। रूस की तरफ से ये बार बार कहा गया है और यहां तक कि वहां दिमित्री पेस्कोव ने इस बात को लेकर, अब मैं कोमोडोर रंजीत राय उनके पास चलना चाहूंगा इस बात को लेकर कि ये एक्चुअली सर अब दोनों ही तरफ की ये बातें दुनिया के सामने है और दुनिया का जो परसेप्शन है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है इस समय कि परसेप्शन बन क्या रहा है। क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न मीडिया एक खास चीज को खास तरीके से स्थापित करने में कामयाब रही है? बिल्कुल ठीक बोला आपने, परसेप्शन इज रियलिटी। जो परसेप्शन होता है वो रियलिटी हो जाती है। लेकिन आक्रमण किसने किया? रशिया ने किया। पुतिन साहब ने मेरा ख्याल सोचा था कि 1971 हमने जब भारत ने बांग्लादेश बनाया था तो 14 दिन में ही हो गया, क्योंकि बांग्लादेशी लोग हमारे साथ थे, मुक्ति वाहिनी हमारे साथ थी और हमारी फौज की तो कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये स्पेशल ऑपरेशन अभी तक नहीं कहा है कि मैंने लड़ाई वॉर किया है, कह रहा स्पेशल ऑपरेशन। तो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल उल्ट गई। आपको ये समझना चाहिए द डिफेंडिंग नेशन जो अपने को संभाल रहा है वो यूक्रेन है। अटैक किसने किया? रशिया ने। तो यूक्रेन अपने अपने बचाने के लिए कुछ भी करेगा, मारेगा रशियन को, क्योंकि वो आ रहे हैं, उनके बस्तर बंक टैंक्स आ रहे हैं। सर दूसरे क्या ये असर्टेन हो गया? क्या ये रूसी जो फौज के लोग जो यहाँ लड़ रहे थे क्या वो नहीं हो सकते जो मारे गए हैं? क्या उनकी बॉडीज नहीं हो सकती जो यहाँ पे कब्र में डाली गई होंगी? ये कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ यूक्रेन के लोगों को ही मारकर यहाँ दफन कर दिया? बहुत अहम सवाल पूछा आपने। क्या हो गया है कि अगर जो रूस अनाउंस करेंगे कि पुतिन ने लड़ाई शुरू की और मेरे लोग मर रहे हैं तो पुतिन का तो स्टैंडर्ड और भी डाउन हो जाएगा, ऑपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। कोई जो विक्टिम होता है कभी नहीं मानता मैंने कुछ गलती की है। तो ये है हालत। लेकिन जरूर जो हुआ है यूक्रेन में, जब जो सोल्जर्स आए थे उधर, बेलारूस वापस हो गया, मुकर्रर हो गया, तो वहां का सपोर्ट खत्म हो गया। चेर्नोबिल में भी यही हो गया। तो जो सोल्जर्स थे उधर उन्होंने कहा कि भाई मारो, बलात्कार हुआ है। कोई भी सोल्जर जाता है कुछ करता है तो हुआ है, हुआ है। लेकिन किसने किया है, कौन गलत है, और गलत अगर कोई है तो एक ही गलत है या दोनों ही गलत है? और इस बारे में लेकर परसेप्शन, इफ इट इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी, तो परसेप्शन बन क्या रहा है? कौन सा मुल्क क्या कह रहा है? वापस स्टूडियो चलते हैं और वहां चलने के बाद अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।